अब तो हर चीज में वो हो गया ज्यादा ज्यादा। स्वागत है आप सभी का हमारे अगले व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और बहुत ही मजेदार होने वाला है हमेशा की तरह। ये देखो मैं कहाँ आ गई हूँ। ये हसी वादियों, नहीं नहीं ये लाल लाल दीवारें, ये खुला आसमां, लाल किला, लाल किला, लाल किला लग रहा है ना, बढ़िया गुजरा है। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, हमने लोकल में अपना बैग रख दिया जो हम लेके आए थे और अभी जा रहे हैं आगे टिकट काउंटर पे। ये देखो यहाँ पे ना नेट नहीं चलता है, मोस्टली सबके पास जियो ही होता है, तो ये एजेंट मेरे भाई के पीछे पड़ा होगा। ये कब से हमारे पीछे पीछे आ रहा है कि हमसे ले लो हमसे ले लो टिकट, बट हमने ऑनलाइन खुद कर ली। तो ये एंट्री कर ली है। जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, भीड़ देखो भाई, हमें तो लग रहा था बाहर से कम होगी भीड़। अभी तो आगे जाएंगे, बहुत आगे चलना है, अभी तो अभी एंट्री नहीं है भाई। कभी तुम सोच रहे होगी पहुंच गए, ये देख वहां से आई थिंक मेन एंट्री हो रही देखा ना, हम ही सिखा देंगे तेरे को, तो हमें क्या बताएगा। ये ताजमहल ही दिख रहा है क्या? हाँ ये मेन एंट्री है भाई, यहाँ हम जा रहे हैं बस, सब पहुँच जाएंगे इधर। क्या चल रहा है? हाँ मतलब देख रहे हो। मुंह पे हाथ रख के, हाथ रख के हंसो सारे मुंह पे, समझ रहे हो? हाँ प्यार की निशानी में ये देखो, मतलब ऐसे तो आना चाहिए यहाँ पे कायदे से, तो आना चाहिए ये कॉलेज कुलेज के बच्चों को, है ना? बुढ़ापे में जा गया भाई साहब प्यार तो, क्योंकि इतने महंगे फोन इसलिए ले रखे हमने हैं, देखो मतलब हाँ इतने बेशरम है। मैं कहूँगी जिनके पास महंगे महंगे फोन होते हुए भी यहाँ फोटो खिंचवाते होंगे ना दूसरों से। ये है भाई साहब एंट्री, अब यहाँ के बाद दिखेगा आपको जलवा। ये देखो भाई साहब ये लिखा हुआ है, जिसको भी नॉलेज ना हो वो इसको पढ़ लेना, ठीक है? अब यहाँ से ये है एंट्री, वाइड में लेते हैं। ये है भाई साहब स्वागतम, ये है इधर का नज़ारा, ये पीछे दिख रहा है ऐसा और ये लेफ्ट में दिख रहा है ऐसा और ये है सामने, राइट में भी दिखा दूँ, राइट में भी सेम ही है। और ये देखो टिंडिंग, इसके बीच में दिखेगा आपको ताजमहल। कुछ लोगों की शक्लें भी आ सकती हैं भैया बीच में, तो ध्यान से इसके बीच में जा रही है, फटाफट 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 आ जा। नहीं हमें नहीं चाहिए फोटो, ये ऊपर अच्छा लगा मुझे, हैं ये डिजिटल ले देंगे आपको फोटो सॉफ्ट कॉपी। अच्छा हाँ पेपर का क्या करेंगे, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए सबको। ये देखो भाई साहब क्या ही नजारा है, स्वाद ही आ गया भाई। तेरी अभी तो देखो हम कितनी दूर है ना, यहाँ से छोटा दिख रहा है। ऊपर भी जाएंगे। एंट्री करने के बाद हम लोगों ने फोटोशूट कर लिया है और ये देखो मेरे पीछे
यहाँ पे मेन गेट की एंट्री पे ही हम लोगों ने फोटो शूट किया थोड़ा सा, तो इसलिए व्लॉग हमने बंद कर दिया था। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे, ये देखो अभी तो बहुत दूर है ताजमहल पूरा। चलो आगे चलते हैं। तो ये देखो मेन गेट से यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं आगे एकदम से, कोई पास में आ जाता तो मैं चुप हो जाती हूँ, ज़्यादा वो चप्पड़ चप्पड़ नहीं करती किसी के सामने। तो मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखे हैं, वॉइस आई जाएगी मेरी। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ एक बार और, जो ताजमहल के ऊपर जो छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। तो ताजमहल जो है ना एकदम उसके ऊपर, जब चढ़ जाते हैं ताजमहल के ऊपर तो वहाँ पे सब अमीर लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की टिकट है 200 रुपये अलग से। और जहाँ पे अभी हमने देखो ये एंट्री की है ना यहाँ से गेट से, तो ये जो लाल लाल पत्थर है इस पे घूमने की सिर्फ 50 रुपये टिकट है। तो फाइनली आज हम भी अमीरों की गिनती में आ चुके हैं, क्योंकि हमने भी 250-250 वाली टिकटें ली हैं, और वो भी एक नहीं दो दो तो वो पीछे मेन गेट दिख रहा है और ये इधर फुहारे चल रहे हैं और वो पीछे सफ़ेद रंग के फूल हैं। काफ़ी व्लॉगर्स यहाँ पे घूम रहे हैं वीडियो बनाते हुए। और एक हमने जब एंट्री की ना तो हमें एक बंदा मिला, वो आया ऐसे कैमरा लेके फटाफट और कहता हाय गाइस, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हमारी हंसी जुट गई उसको देख के, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसी हरकत की तो ऐसे भी हो जाता है तो अभी अच्छा ये 50 रुपये वाले देख यहीं फ़ोटो लेके चले जा मैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो तुम 50 वाले हो या तुम 250 वाले हो, हम 250 हाँ महंगी होनी चाहिए भाई, 250 रुपये तो सस्ती है, इसमें क्या है, ये भी बीड़ी है फिर भी थोड़ी, हाँ बीड़ी है। और जो ये इसको 500-600 की कर दें तो भीड़ कम हो जाएगी अपने आप और मजा आएगा है। कुछ फीट का फर्क है 50 और 250 में जो चबूतरा सा बना हुआ है ना, हाँ 50 वालों की ना 150 हाँ नहीं 50 वालों की तो पीछे खत्म कर देनी चाहिए गेट पे, भाई गेट से देख के बाहर चले जाऊँ। गार्डन वालों की 120-150 हाँ, और यहाँ तक आने के लिए 250 आने के लिए होने चाहिए कम से कम। जैसे नहीं नहीं जैसे मैं वहाँ गई थी ना बोलू, वो कौन सा महल था वो, उदयपुर का हाँ नहीं उदयपुर का जो राजा का महल था उसमें 600 रुपये टिकट थी, तो कम से कम और ये तो हमारे 7वें अजूबों में आता है तो इसकी है। तो भाई मतलब 600 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो तो महल कोई अजूबा भी नहीं था, उसकी 600 रुपये टिकट थी और इसकी देख मतलब 250 रुपये, कोई इज्जत ही नहीं रही ताजमहल की। देखो सब यहीं पे फोटो लेके चले जा रहे हैं, हाँ ये 50 वाले हैं भाई साहब, ये देखो मेरे पीछे देखो जितने भी चौथरे में फोटो ले ये 50 वाले ये 50 और हम जाएंगे अभी उस पे ऊपर हम 250 वाले वो देख रही है कैमरा चला के क्यों दांत फाड़ रही और भाई 50 वालों क्या हाल है जाएंगे हम तो 250 वाले हैं। पर भाई उस महल की टिकट 600 हो सकती है, तो इसकी कम से कम 1000-1200 तो टिकट करो ताजमहल के ऊपर चढ़ने की है, मतलब 7वें अजूबे की कोनो इज्जत ना है क्या, बार बार ब्लूटूथ बंद हो रहे कनेक्ट हो के हाँ। अब एक कान पे मैं इसलिए लगा रही कि मेरा लुक खराब होगा, फिर मन नहीं कर लगाने का, सिंगर के आई हूँ हाँ काफी अलग चमक रहे हैं कोई, हम तो ऐसे तैयार होके आ रहे हैं जैसे बारात जा रही है हमारी यहाँ, ऐसा लग रहा था दूल्हे हाँ बस यही बारात चढ़ रही है हमारी ताजमहल में। ये देखो भाई पीछे का नज़ारा देख लो, एकदम एंट्री गेट दिख रहा, बोलो जब हम पहले आए थे पहले ज़्यादा दूर नहीं लग रहा था हमें ताजमहल गेट से, उस टाइम हम छोटे थे, हम बहुत छोटे थे जब आए थे, मैं 7th में थी और मेरा भाई तो 4th में ही था, नहीं क्यों 5th में था, 5th के एग्जाम दिए थे मैंने, अच्छा 5th में, चलो ये 5th में था मैं 7th में थी, और ये पागल है क्या तू, 8th में हुई थी हाँ मैं 8th में हो गई थी फिर हाँ तब आए थे हम तो हम छोटे थे इसलिए हमें दूर लग रहा होगा ये, हम थोड़ी सी फोटो और ले लें फिर आऊँगी ब्लॉग पे वापस ठीक है। फोटो शूट हमारा हो गया है
और अभी हम देखो इसके पास पहुंच गए हैं बिल्कुल ही। ये देखो एकदम नज़दीक हैं हम इसके। अच्छा ये भी देख लाल लाल वाले द्वार हैं। सेल्फी यहाँ पे ले लें। हाँ तो भाई और बहनों हम थोड़ी सी फ़ोटो और ले लें फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई ये ऐसे पैरों में डालना पड़ रहा है ऐसे, लेकिन चप्पल के ऊपर ही डाल सकते हैं इसको। ये देखो इतनी नज़दीक से देख रहे हैं इसको हैं। अब यहाँ से एंट्री कहाँ से कहाँ दिखानी टिकट घूम के आगे। अब आगे जाके हम अपनी 250 रुपये दिखाएंगे। ये देखो भैया इसको देख लो तुम नज़दीक से। यहाँ फोटो ले लो यहाँ सामान्य टिकट धारकों के लिए राइट और उच्च मूल्य टिकट धारकों के लिए लेफ्ट। तो हम जाएंगे लेफ्ट और ये देखो राइट, मतलब तुम यहाँ तक घूम लिए फुहारा तक है ना एंट्री से लेके और वहाँ से अब दफा हो जाओ ठीक है। और हम हैं उच्च मूल्य टिकट धारक है ना, तो अब हम जाएंगे लेफ्ट में। तो अब ये देखो अब हम जा रहे हैं अपने 250 रुपये वसूल करने। और ये देखो इधर भी गार्डन है ये, और यहाँ से एंट्री होगी आगे से है ना, आगे से एंट्री करके और हम पहुँच जाएंगे ताजमहल के ऊपर, तो वहाँ पे चढ़ के मिलेंगे आपसे अब ठीक है। तो हम लोग बस जा ही रहे हैं एंट्री करने, एंट्री करने जा रहे हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ पे तो लाइन ही नहीं है, यहाँ से मिल जाती टिकट है ना, यहाँ की अलग थी। हाँ लाइन थी ना, तो वो 50 रुपये वाली भी लाइन थी इसलिए हमें ऑनलाइन लेनी पड़ी। वाह भाई क्या लग रहा भाई, ये देखो इसके इतने करीब हम पहुंच गए हैं। तो भाइयों और बहनों फोटोशूट किया है थोड़ा सा, हवा बहुत तेज चल रही है, हवा उल्टी चलती है, इतना फ़ोटो लेते हैं बाल मुंह पे आ जाते हैं। काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल। अभी आगे जा रहे हैं, आजा चलो। अभी तक हमने एंट्री नहीं की, हम बाहर भी फोटो ही ले रहे हैं। देखो बालों बाल तो खोल ही नहीं सकते, छोटे बालों वाले ठीक हैं है ना, बाल खिंडा के घूमते रहते हैं ये छोटे बालों वाले। वो अपने सिर में एक ही सिर में 100-100 चोटी कर रखी, कहीं से बाल ही नहीं उठ रहे। हमें तो अच्छी नहीं लगती खैर वो सब, हम तो ऐसे ही खिंडे हुए में ही जाएंगे, खिंडते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सब वीडियो बना रहे हैं तो इतना अजीब नहीं लग रहा, नॉट ऑकवर्ड नहीं लग रहा कैमरा खोलते हुए। केवल 200 रुपीज़ के ये देखो मैंने एंट्री कर ली है गेट से। और ये देखो मैं ताजमहल के इतना नज़दीक, इतना नज़दीक। ये चुन्नी बहुत हैवी है, हैवी हैवी। ये ब्लूटूथ बार बार कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप ही, यानी चुंबक लगा हुआ है इसमें। आज मैं ऊपर और सुबह नीचे। देखो भाई अच्छा इसको हाथ नहीं लगाने देंगे क्या ये, यहाँ भी ग्रिल लगा रखी नहीं है, ऊपर जाके लगा लेंगे हम अच्छे। हाँ ऊपर जाके हाथ लगाएंगे। अच्छा अब इसको हाथ लगाने के लिए देखो और ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो मेरे पीछे कैसा दिख रहा है, ये देखो नीचे वाले सब ऊपर देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। ये देखो बस अंदर जा रहे हैं। थैंक गॉड आज मौसम काफ़ी सुहाना है, सबके कैमरे खुल रहे हैं, क्या पता तुम किसके कैमरे में कैद हो जाओ और क्या करते हुए, तो इसलिए सावधान रहें सतर्क रहें। यहाँ से ऊपर जाना है। अच्छा ये देखो भैया ये गेट है, यहाँ से जाना है ऊपर अंदर आने के बाद। अच्छा यहाँ के लिए पहना था वो जो पैरों में पहना था कवर, विदाउट पैरों में कवर के एंट्री नहीं है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हैं, ये जो हमने पैरों में पहना था ना ये इसलिए पहना था क्योंकि यहाँ पे ऊपर आना था ताजमहल की सतह पे पैर रखना था, तो यहाँ से एंट्री कर ली है। देखो
धूप में मुझे नहीं दिख रहा कि क्या शूट हो रहा है, लेकिन कुछ तो शूट हो ही रहा होगा। ये देखिए वहाँ से कैसे कितना बढ़िया लग रहा। ये देखो वहाँ से आया हूँ इतनी दूर से, गेट से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 250 रुपये का फासला, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरी वीडियो बनाते हुए फोटो ले दी मेरे भाई ने, तो मैं वो देख रही थी। ये कितनी बढ़िया ही बोलते हुए, लेकिन मैं अपलोड करूँगी तो कोई भी हंसेगा नहीं, थप्पड़ मारूँगी और जीभ निकालते हुए। रैंडम क्लिक्स ना बहुत फनी आते हैं। ओहो जलवा, ये जलवा, यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ेगी और उस पर गाना लगाना पड़ेगा, सुनो ना संग मरमर, है ना, ये वाला गाना लगाना पड़ेगा। रील्स सोच रही बना लेती हूँ, सोचने क्या है, बनानी पड़ेगी भाई, पैसे तो वसूल के जाएंगे। अब मेरा भाई अपनी सेल्फी ले रहा है और मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, तो अभी मैं बनाऊंगी अपनी और वीडियोस। देखिए कीड़े मकोड़े जैसे लग रहे हैं लोग, कितने दूर 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 ही है भाई, ये तो हमें व्लॉग बनाते बनाते पता ही नहीं लगता वो कैसे लग रहे लोग, है ना, छोटे 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 छोटे, है ना, क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि चलो टिन 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 व्लॉग बन रहा है। ये रहा, चलो ताजमहल के पत्थर को हाथ लगा के आते हैं पास से, चलोगे हाथ लगा के देखें इसको कैसा फील होता है, लगाओगे हाथ, लगा लेना। ये देखो भैया, ये पहुंच गई मैं ताजमहल की दीवार के पास और मैंने इसको फाइनली हाथ लगा दिया है, ये बात है भैया। घड़ी में टूट गया, इतनी जोर के हाथ मारा मैंने, नई घड़ी डाली है अपनी। अब अंदर चलते हैं मुख्य मकबरे के अंदर, फोटोग्राफी बंद है, मना है लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ से जाती हूँ अंदर। ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से अंदर एंट्री है और ये है ताजमहल की छत। ये है मेन अंदर जहाँ पे कब्र वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी मना है लिखा हुआ है ऐसा, तो हम यहाँ से आपको मैं पीछे दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है, देख लो, और यहाँ पे आप फोटो बाद में लेंगे, कृपया यहाँ पर ना रुकें, अच्छा कब्रों के पास ना रुकें। यहाँ से हमने एग्जिट कर ली, बाहर निकल गए घूम के, और जहाँ पे निकले हैं वहाँ पे ये शूट कर लिया है और ब्लूटूथ मैं ऑन कर लेती हूँ, अभी से बंद हो गए थे। और ये देखो क्या आसमान लग रहा है ना भाई, दीदी कितनी खूबसूरत लग रही है, मज़ा आ गया भैया, मज़ा 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 मज़ा। ये देखो
ये देखो नीचे वाले कितने छोटे छोटे लग रहे हैं है ना, लोग कैसे कितने छोटे छोटे लग रहे हैं कितना बड़ा है। अभी बस हम लोगों ने फोटो शूट कर लिया है यहाँ पे, और वो पीछे देखो यमुना जी और ये बादल जी और ये नेहा जी और ये राजमहल जी, सब जी 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 सबको देख लो, सबको देख लो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बाल बहुत परेशान कर रहे हैं, उड़ उड़ के हवा में फ़ोटो भी ख़राब करते हैं, वीडियो भी ख़राब करते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं उड़ने, तो कोई बात नहीं, कोई ना दिक्कत ना ही है, उड़िए उड़िए बाल भैया, आपको जितना मन करे उड़िए, कोनो दिक्कत व ना ही है, हमें तुम बेहद पसंद हो हाँ जी, तो कदम बढ़ा के दुपट्टा उठा के और एक बार घूम के फिर फोटो खिंचा के फिर बादल को दिखा के करूँगी मैं इशारा कि रुको जरा मैं घूमूंगी दोबारा। इतनी तेज हवा चल रही है ना, और वो देखो एंट्री गेट, हम पूरा घूम के आ गए अंदर से बाहर तक पूरा आ गए हैं। ये देखो इधर ताजमहल है और इधर बाल, प्यास लगी है। तो यहाँ से आए थे और यहाँ से एग्जिट लेंगे, और ये देख लो एक बार और नज़ारा, कितनी भीड़ है, गार्डन, और ये एक बार व्यू करा देते हैं भैया। यहाँ से एंट्री की थी, और हमें अभी बाद में पता लग रहा है कि पानी पी सकते थे अंदर, लेकिन बट वही था, अच्छा हुआ हम नहीं लेके आए, क्योंकि फिर बोतल उठा के कौन घूमता सारे को इतनी देर, अब बाहर जाके ही पी लेंगे। अब हम एग्जिट ले ही रहे हैं यहाँ से, देखो ताजमहल को कर दो बाय बाय, और यहाँ से नीचे उतर जाएंगे हम भी। ये देखो भाई मेरे पीछे, मेरे पीछे देख रहे, ये देना है अपने साथ लेके नहीं जाना है, ये जंत्रो वाला है, ये देखो ऐसे घेर दो। तो ये भाई वहाँ से उतर के नीचे आ चुके हैं, और ये देखो गार्डन, यहाँ से ले रहे हैं एग्जिट, और यहाँ पे जाना है अभी। पर इसको जिसको जितना देखो ना उतना जी नहीं भरेगा इसको देखने से, भाई बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। ये देखो भाई वहाँ से यहाँ आ गए हैं हम, इतनी दूर एग्जिट की तरफ, और खूबसूरती कम नहीं हो रही, पर इसकी दूर से भी बराबर ही खूबसूरत लग रहा है। ये लो भाई एक बार और देख लो जाते जाते ताजमहल को, और ये सुंदरता को ये देख लो भाई, यहाँ से आके जाने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन घूमते घूमते थक जाओगे तो फिर आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। टुबकी टुबकी, तो हमने ये सोफी लिया ताजमहल के बाहर, पैटीज खा लिया, कैन पी लिया, और अब ये सॉफ्ट पी लिया, थक गए हैं हम। जब मुगल शासन काल था हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हाँ जी, उन्होंने जैसे बाबा, हाँ, लोगों ने जो प्रथा चलाई थी ना दो पत्नियां रखने की, हाँ, वो प्रथा ये नहीं थी, हाँ, इसलिए चलाई थी एक हिंदू थी और एक मुसलमान थी, जहाँ मंदिर मिलेगा तुम गौर से ध्यान करके देखेंगे ना, अवश्य होगी, अच्छा अवश्य होगी। तो उन्होंने उनको भी सम्मान दिया, उनको भी सम्मान दिया, मगर अब सरकार हिंदी आ गई कि इनकी जो एक तीन, सबसे पहले तीन तलाक लिया आपने, पहले इसे खत्म करो, अब जो नया ऑप्शन लिया है, अब जिसके दो बच्चे होंगे केवल उसको ही सरकारी मतलब सहायता मिलेगी, अस्पताल सरकारी बच्चे पढ़ पाएंगे, स्कूल नौकरी लग पाएगी। अब की 2024 में सरकार बनी तब इन्हें नया ऑप्शन लाएंगे, क्या वो उन्हीं को सहायता मिलेगी जिनके बच्चे ही नहीं होंगे भाई पूरा देश हाईलेट किया, अन्य जो बोलेगा वो मरेगा या जेल में। यहाँ का देखो प्रसिद्ध पूरी वाला श्रीराम वाला, यदि भला चल रही है
जो फेमस है यहाँ का, बट फेमस है दुकानदारी का अंदाज नहीं लगा सकते, सपने की दुकानदारी होगी।